नमस्कार। गोपीकरण हूँ मैं, भारती हूँ। गोपीकरण से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने देखा था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिका की संरचना क्या होती है, समन्वय क्या होता है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है और मस्तिष्क की संरचना क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हमारा क्या, ब्रेन, और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों चीजें मिलकर बनाती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। किसका? मनुष्य के केंद्रीय, मनुष्य के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। जो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक मस्तिष्क यानी ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड यानी के मेरुरज्जु। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मस्तिष्क क्या होता है। मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का मतलब है कि फोर ब्रेन। अगला भाग मध्य का मतलब है कि मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं, पश्च का मतलब हिंड ब्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीन भाग होते हैं। इसमें से सबसे पहला क्या होता है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क फिर से दो भागों में बटा होता है, एक सेरिब्रम और दूसरा डायसिफेलोन। ठीक है, दो भाग होता है, डायसिफेलोन और सेरिब्रम। इनमें से जो सेरिब्रम होता है वो होता है सबसे बड़ा भाग होता है हमारे मस्तिष्क का, और सबसे ज्यादा विकसित भी होता है। ये दो अर्ध गोलार्धों से मिलकर बना होता है। ये जो सेरिब्रम की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा भाग है, सबसे विकसित भाग है, और ये दो अर्ध गोलार्धों से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं सेमी अर्ध गोलार्ध। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? मुश्किल काम, यानी कि मेमोरी का, ज्ञान का, चिंतन का, तर्क का, सोच विचार करने के जो भी काम है वो सेरिब्रम करता है। अब अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग कौन सा होता है? डायसिफेलोन। डायसिफेलोन भी दो भागों में बटा होता है, नंबर एक थैलेमस और नंबर टू हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम होता है दर्द या जो ठंडा गर्म होता है उसकी पहचान करना, यानी दर्द का और ठंडा गर्म की पहचान करने का जो कंट्रोल है, जो केंद्र है, सेंटर है, वो कहाँ पे है? थैलेमस में होता है। और हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? हाइपोथैलेमस का काम है कि भूख, प्यास और घृणा और ताप को ये कंट्रोल करता है। भूख, प्यास और घृणा ताप का ये नियंत्रण केंद्र होता है। अब करते हैं मस्तिष्क के दूसरे भाग की बात, मध्य मस्तिष्क की बात। ठीक है, मध्य मस्तिष्क भी दो भागों में बटा होता है, नंबर एक कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना। नंबर एक क्या है? कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना। इसका काम क्या होता है? देखने और सुनने का कंट्रोल सेंटर है। कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना जो कि मध्य मस्तिष्क का भाग है, और ये काम करता है देखने और सुनने का कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा भाग होता है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल, इसका काम होता है क्या कि जो भी हमारे मस्तिष्क के दूसरे भाग है उन सभी को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ये हो गई मध्य मस्तिष्क की बात। अब तीसरा भाग कौन सा होता है? हिंड ब्रेन, यानी कि पश्च मस्तिष्क की हम बात कर रहे हैं। इसमें भी दो भाग होते हैं, एक होता है सेरिब्रम, नंबर वन पे है सेरिब्रम, और नंबर टू पे होता है मेड्यूला ऑब्लोगेटा। मेड्यूला ऑब्लोगेटा, ठीक है। सेरिब्रम का काम होता है कि ये पेशियों के द्वारा, पेशियों में संतुलन के द्वारा हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है। कौन? सेरिब्रम की बात कर रहे हैं, जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग है। और दूसरा भाग होता है मेड्यूला ऑब्लोगेटा। ये क्या काम करता है? हमारे शरीर में जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, यानी जो हम नहीं रोक सकते अपनी इच्छा से, यानी कि भाई हाथ धुलने लगा तो हम काम बंद करते हैं, ये तो इच्छित क्रिया हो गई। अनैच्छिक क्रिया जैसे हार्ट बीट हो गया, पलकों का झपकना, नजर पकना हो गया, ये सारी क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो ये क्या कौन कंट्रोल करता है? ये मेडुला ऑब्लोगेटा, जो कि पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है, वो कंट्रोल करता है। चलिए संरचना देखते हैं, मस्तिष्क की संरचना क्या होती है। ये क्या है? हमारे
डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखिए, ये तो हो गया पहला भाग फोर ब्रेन, ठीक है, दूसरा भाग ये हो गया मिड ब्रेन और तीसरा भाग ये हो गया हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में मैंने बताया था आपको क्या होता है, फोर ब्रेन में दो भाग होते हैं, एक तो होता है सेरिब्रम और उसके ठीक नीचे होता है डाइसिफेलम, ठीक है, डाइसिफेलम, और ये किसके अंदर होता है, क्रैनियम के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है ये होता है क्या, मिड ब्रेन होता है, ठीक है, और हिंड ब्रेन सबसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये वाला हिस्सा तो क्या है, मेड्यूला ऑब्लोगेटा, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है सेरिब्रम। तो ये मस्तिष्क की संरचना है, मस्तिष्क के भाग दिए गए हैं इसमें, ये आपको रेडी करना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मस्तिष्क के संरचना का लिखित वर्णन दीजिए, तो उसमें आपको ये सभी देने होंगे, इसका डायग्राम बनाना होगा और आपको ये तीनों भाग और उनके कार्य लिखने होंगे, ठीक है। तो ये हुआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ब्रेन क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, और उसके अलावा हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो पाया ही जाता है, उसके अलावा एक परिधीय तंत्रिका तंत्र और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी हमारे अंदर मिलता है, उनके बारे में हम देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है उनके बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।